हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है SOL सॉल्यूशन। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा और आप अब वीडियो में एंटर कर भी चुके हैं तो आपको पता लग गया होगा कि आज की जो टॉपिक है हमारा बेसिकली किस पे डिपेंड रहने वाला है, राजनीतिक सिद्धांत। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इससे हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस बनाई थी जो राजनीतिक सिद्धांत से रिगार्डिंग ही थी। अगर आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले आपको वो देखना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ आएगा। तो दोस्तों, दूसरी बात, जो हमारे साथ क्लास में लगातार बने हुए हैं उन स्टूडेंट्सों के बारे में हम बात कर लेते हैं और अपनी आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा बैकअप ले लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्लास है आज की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जल्द से जल्द मिल जाएगा, क्योंकि PDF नोट्स की डिमांड बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर PDF दे दो। तो उसका जल्द से जल्द हम आपके लिए नोट्स के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम अवेलेबल करवा देंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, SOL सॉल्यूशन नाम का पेज है, ताकि आपको वहाँ पर सारी डिटेल, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको ये भी कह दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ या अदर कॉलेज ग्रुप हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए उन लोगों को मैं बता दूँ कि हमारा चैनल जो है बेसिकली BA और MA, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो BA और MA के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाती है, और ये प्रोग्राम के स्टूडेंट्स भी इसके अंदर देख सकते हैं और ऑनर्स के स्टूडेंट्स भी। तो दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत, जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया, राजनीतिक सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो थ्योरी शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा से। अब आप कहोगे सर ये यूनानी भाषा क्या है, तो यूनानी भाषा मैं बता दूं कि जो इंग्लिश है, आपकी जो अंग्रेजी है, उसके ज़्यादातर जो शब्द है या तो वो ग्रीक में निकलते हैं। किस भाषा में निकलते हैं, या तो वो ग्रीक में निकलेंगे या फिर वो यूनानी भाषा में निकलेंगे। तो इसका अर्थ कहाँ से निकलता है थ्योरी का, ये थ्योरी जो शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है हम देखते हैं यूनान के थ्योरिया शब्द से हुई है। इसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार मैं आपके लिए रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो में जो पुराना हो उसके साथ साथ आपको समझ में भी आता रहे कि क्या चलना है टॉपिक में क्या नहीं, क्योंकि उसका लिंक है आपको। साथ ही साथ हमने इसका अर्थ बताया, जिसमें हमने ये बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत जब बनता है जब वो अन्य सिद्धांत से अलग हो। दूसरी बात, सिर्फ अपनी राय दे देना किसी एक विषय पर वो राजनीतिक सिद्धांत नहीं कहलाता। राजनीतिक सिद्धांत में एक व्यक्ति की पूरी सोच शामिल होती है। अच्छा, राजनीतिक सिद्धांत को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एक हम क्या करते हैं, हम एक मॉडर्न करते हैं जिसके बारे में आज हमारी वीडियो है, और एक होती है आपकी ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, परंपरागत, और मॉडर्न को हम आधुनिक रूप में समझ सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है उसको लेकर हमारे सामने कितने दृष्टिकोण हैं, दो दृष्टिकोण हैं, एक आधुनिक दृष्टिकोण है और एक परंपरागत दृष्टिकोण है। तो हमने पिछले वीडियोस में पार्ट टू में हमने बात करी थी कि जो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल जो दृष्टिकोण है इसका, राजनीतिक सिद्धांत का, वो क्या कहता है, इसके बारे में आपको पहले ज़रूर समझना है, तब आपको आप कंपेयर कर पाओगे कि भाई जो मॉडर्न है, मॉडर्न में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नई बातें आई हैं, तब आप। तो हम वैसे साथ साथ अब इसके बारे में बात करते रहते हैं ताकि आपको पता भी चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक सिद्धांत कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि समकालीन राजनीतिक चिंतन, यानी समकाल का मतलब क्या होता है, यानी एक ही समय में जो राइटर, यानी आप जिस समय में हो, आप जिस समय में हो, आज हम किस समय में हम तो हैं 21वीं शताब्दी में है। तो यानी 21वीं शताब्दी में जो भी सिद्धांत शास्त्री अपने सिद्धांत दे रहा है वो कौन सा विचारक है, वो आधुनिक
विचारक है। और लेकिन आप कहोगे सर फिर लेकिन इसकी स्टार्टिंग कब हुई, तो आधुनिक राजनीतिक जो सिद्धांत शास्त्रियों की हम 20वीं शताब्दी से हम इसको आसपास 20वीं शताब्दी के आसपास इसको आधुनिक टाइम को मानते हैं। इसके अंदर कौन कौन से लेखक आते हैं, जैसे मैंने आपको परंपरागत में बताए थे, परंपरागत में कौन कौन से मैंने बताए थे, परंपरागत में आपको मैंने प्लेटो, अरस्तु, इसके साथ साथ मैंने आपको कौटिल्य, हॉब्स, लॉक, मिल, इस तरीके से मैंने बहुत से राइटरों का नाम बताया था आपको, लिखवाया नोट्स में अवेलेबल भी था। और साथ ही साथ आज आप देख सकते हो आधुनिक में कौन है, आपके डेविड इंस्टन, चार्ल्स मैरियम, रॉबर्ट हाइक, डाइहल, इसके बाद आप आलमंड पेवल इसको देख सकते हो, देखो पावले भी बोलते हैं इसे, पेवल भी बोलते हैं, तो कई बारी क्योंकि अब अलग अलग बुक पढ़ते हैं तो उसमें इनका जिक्र कुछ अलग अलग नामों की तरह से प्रोनंसिएशन में ले लेते हैं। इसके अलावा आप लास्वेल और आपका एप्टर, ऐसे कुछ विद्वानों को हम इस श्रेणी में डालते हैं। साथ ही साथ आपको ये लिखने के बाद आपको ये बात ज़रूर लिखना है कि राजनीतिक जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसकी कुछ विशेषताएं जो कि निम्नलिखित प्रकार से है या इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो उसमें अध्ययन कैसा होगा, उसमें आधुनिक अध्ययन होता है। परंपरागत में क्या होता है, परंपराएं उस पर डिपेंड करती है, हम किसका अध्ययन करते हैं, हम परंपराओं पर अध्ययन करते हैं, लेकिन आधुनिक का भी अध्ययन किया। अब इसमें आधुनिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, आधुनिक अध्ययन किया जाता है। आधुनिक अध्ययन के साथ साथ अब आपको सिद्धांत देना है तो मैंने आपको एक बात पहले ही बताई कि आपका सिद्धांत जो है वो बाकी अन्य सिद्धांत से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो आधुनिक सिद्धांत शास्त्री के लिए क्या है, उसे आधुनिक सिद्धांत आधुनिक विषय के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा आप अगर आप देखोगे तो एक विचारक को क्या करना है, आधुनिक विचारक को परंपरागत भी पढ़ने, आधुनिक भी पढ़ने, इन दोनों तरह के उसको दृष्टिकोण, इन दोनों तरह के उसको नज़रिए को उसको पढ़ना है। तो साथ ही साथ इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आधुनिक, अब आप कहोगे आधुनिक सिद्धांत, जैसे मैं आपको बता दूँ कि पहले एक टॉपिक लेते हैं जैसे नागरिकता, तो नागरिकता को सबने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करी है जिसे हम सिटीजनशिप भी कहते हैं। जैसे नागरिकता के अंदर हम देखते हैं भाई अरस्तु ने अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि उसने बताया अरस्तु ने कि ऐसे लोगों को नागरिक मत बनाओ जिसका देश में कोई काम ही नहीं है, चाहे वो महिलाएँ घर संभाल रही है तो उसे नागरिकता मत दो भाई, क्योंकि बाहर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब ऐसे लोगों को अगर महिलाओं को हम नागरिकता दे देंगे तो वो तो किसी को भी चुन देगी और वो फिर पूरे समाज के लिए हानिकारक हो जाएगा, इसीलिए ऐसी महिलाओं को ऐसे लोगों को ही सिर्फ वोटिंग राइट दो, नागरिकता दो जो समाज में अपना समय रखता हो या काम रखता हो। अब आगे आते हैं, अब गिडन्स जी इनकी आलोचना करते, इस तरीके से और भी जो विचारक आते हैं आपके वो इनकी आलोचना करते हैं क्योंकि वो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, वो राजनीति को किसी और यानी राजनीतिक सिद्धांत के जो विषय हैं उसको किसी एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो आधुनिक जो अध्ययन हैगा ये देखते हैं हम इसके अंदर, साथ ही साथ आधुनिक अध्ययन के साथ हम क्या करते हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल है परंपरावादी जितने भी सिद्धांत है उसका भी अध्ययन हम करते हैंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत बाकियों से अलग होगा तभी तो हमारे सिद्धांत माना जाएगा। मान के चलो मैंने कोई सिद्धांत दिया और उससे पहले प्लेटो जी ने पहले से ये सिद्धांत दे दे रखा है उसका, तो हमारा वो सिद्धांत माना जाएगा, नहीं माना जाएगा क्योंकि पहले से ही वो अवेलेबल है, तो हमारा सिद्धांत नहीं माना जाएगा, फिर तो मेरा वो कॉपीराइट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट तो हमने क्या देखा, हमने आधुनिक अध्ययन होना चाहिए इसमें, आधुनिक अध्ययन। अब इसमें परंपराएं डिपेंड नहीं करती, इसमें आपको राजनीतिक तथ्य, राजनीतिक घटनाओं ये सब आपको मिले ना मिले लेकिन फिर भी आप देखते हो कि समाज से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है उस पर सिद्धांत लिख सकते हैं तो वो राजनीतिक सिद्धांत का विषय मान लिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शोध, शोध का मतलब क्या होता है, हम इसके अंदर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा खोज वगैरह करते हैं इसके अंदर। आधुनिक समय में क्या होता है, जो भी सिद्धांत शास्त्री अगर कोई सिद्धांत लिखता है वो बहुत खोज करता है, इसके बारे में आगे विस्तृत क्षेत्र के अंदर हम बात करेंगे। तो आजकल के जो विद्वान हैं उनका ज़्यादातर प्रयास क्या रहता है कि वो ज़्यादातर वास्तविक परिस्थितियाँ यानी अब की जो परिस्थितियाँ इसको, जैसे अभी क्या क्या टॉपिक चल रहा है अभी उन परिस्थितियों के अनुसार, जैसे अभी लोगों को क्या क्या चाहिए, समानता चाहिए, तो ज़्यादातर सिद्धांत
किस पे राजनीतिक सिद्धांत देते हैं, समानता पे देंगे। लोगों के लिए न्याय जरूरी है, न्याय इंपॉर्टेंट है तो न्याय पे देंगे, लोगों के अधिकार जरूरी है तो अधिकार। तो ऐसे टॉपिकों पे ज़्यादातर क्या है, परिस्थितियों पे हम देख रहे हैं कि वास्तविक परिस्थितियाँ जो आपकी मौजूद है उस पर सिद्धांत दिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब हम दूसरी बात, दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इसका दायरा कैसा हो सकता है, कैसा हो गया, इसका दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है, पहले परंपरावादी क्या करते थे, अपने समय की समस्याएं सिर्फ टॉपिक होता था। एग्जाम्पल के लिए प्लेटो ने, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अपने समय की सिर्फ उसने क्या किया था कि भाई हिंसा का कारण पता लगाने के लिए राज्य पर विचार दिया उन्होंने कि भाई राज्य पर आखिर राज्य के ऊपर खाली हिंसा हो क्यों रहे, इसका अर पता लगाने के लिए उन्होंने। तो अब वर्तमान समय में देखो किस किस के ऊपर सिद्धांत दिए जाते हैं, बहुत से लोग चुनाव के ऊपर देते हैं, बहुत से लोग चुनाव के ऊपर अपने सिद्धांत देते हैं। तो बहुत से लोग आप देख सकते हो मतदान पे, व्यवहार पे, ठीक है ना, या फिर हमारी जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब पे भी अपने बड़े बड़े सिद्धांत देते हैं कि क्या है ये, क्या नहीं है, इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिली है, लोकतंत्र क्या है। तो ये हमारा, ये हम देख रहे हैं कि इसका जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा, स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो विस्तृत हमारे क्षेत्र हो चुके हैं इसके अंदर। साथ ही साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति के बारे में कि भाई आजकल क्या हो रहा है, जो भी सिद्धांत शास्त्री अगर कोई सिद्धांत दे रहा है तो उसने क्या डेवलप कर लिया है, उसने अपने साइंटिफिक मेथड डेवलप कर लिए। साइंटिफिक मेथड कैसे डेवलप किए हैं उसने, मैं आपको बता देता हूँ। आज वो क्या करता है, अब इसमें देखो मैंने एक बात बताई आपको, इसमें एक बात भी लिखी है कि इसमें मैंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बात लिखी है कि भाई व्यापार की क्रांति के साथ वैज्ञानिक भी। अब आप कहोगे व्यापार की क्रांति के साथ विज्ञान कैसे जुड़ गया, फॉर एग्जांपल अमेरिका में कोई इन्वेंशन हुआ, अब वो अमेरिका से कहाँ आया, इंडिया आया, व्यापार के थ्रू आया, कोई मशीन आई, अब वहाँ का सिद्धांत यहाँ आया। तो अब यहाँ पर जब सिद्धांत आया तो आधुनिक समय में हम देख रहे हैं कि अब उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज हम कंप्यूटर से डाटा इकट्ठा करते हैं, आज पहले मैं कोई सिद्धांत दे रहा हूँ तो पहले मैं सर्च कर लेता हूँ कि यार कि इस सिद्धांत के ऊपर किस किस व्यक्ति ने क्या क्या विचार दिए हैं, ताकि फिर मैं अपनी जो भी बातें बताऊँ तो उससे रिगार्डिंग आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से ताकि समझा सकूँ और उसको कर सकूँ। तो जो सिद्धांत देने का आज एक तरीका है, इसमें क्या डेवलपमेंट हो गया, साइंटिफिक मेथड डेवलप हो गया, आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक पद्धति इसमें हो गई है कि एक सिद्धांत शास्त्री अब क्या करता है, बहुत ज़्यादा शोध करता है और शोध करने के बाद जो भी मूल्य निकल के आते हैं, मूल्य का मतलब है जो भी उसमें से फैक्ट निकल के आपके सामने आते हैं उन सबको आपके सामने रखता है, और ये उसमें उसकी बौद्धिक निष्पक्षता होती है। एक बात ध्यान रखना चाहिए, कोई भी सिद्धांत शास्त्री हो उसको क्या जरूरी है कि वो निष्पक्ष रहे, तटस्थ रहे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सिद्धांत पढ़ा, जैसे मैंने प्लेटो का अगर कोई सिद्धांत पढ़ा तो वो सिद्धांत अगर मुझे अच्छा लगा तो बाकी सब बेकार है। एक सिद्धांत शास्त्री को तटस्थ रहना चाहिए और एक अध्ययन करने वाले व्यक्ति को भी तटस्थ रहना चाहिए, अपनी बात पर कायम रहना चाहिए कि भाई किस तरीके से उसके सामने बातें हो रही, किस तरीके से नहीं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा चौथा, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें है कि भाई शक्तियों का अध्ययन, हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ पावर, हम पावर का भी अध्ययन करते हैं। कब अध्ययन करते हैं, हम आधुनिक सिद्धांत शास्त्री में, क्योंकि अब देखेंगे हम सत्ता को और शक्ति को दोनों को एक साथ जोड़ के देखते हैं, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है उसके पास पावर होती है। जो स्टूडेंट्स बीए कर चुके हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा सिद्धांत पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं यथार्थवाद, मार्गेंथाउ जी का बड़ा ही पॉपुलर थ्योरी है वो, जिसे रियलिज्म बोलते हैं, उनको पता है, उन्होंने शक्ति और सत्ता के बारे में पढ़ रखा होगा। तो एक बार फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जैसा भी आपको बताया कि भाई शक्ति जो है उसको हम सत्ता के साथ जोड़ के देखते हैं, जिसके पास पावर है उसी की सरकार होती है, सीधी सी बात है, चाहे विश्व की बात करें, देश की बात करें या फिर अपने माहौल की बात करें। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम शक्ति का अध्ययन भी कर रहे हैं, किसके अंदर कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर कर रहे हैं। एक आपके राइटर हैं, अभी मैंने ऊपर नाम भी बताया था, जिसका नाम है लॉस वेल, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, लॉस वेल जी कहते हैं कि भाई एक अनुभवीवादी के रूप में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम किस तरीके से करते हैं, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग हम अनुभव के रूप में भी करते हैं। और इसके अंदर हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि राजनीति जो है, राजनीति में शक्ति
इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया था तो इस पर आपको ध्यान है। शक्ति का अध्ययन बहुत ज़रूरी बन चुका है और साथ ही साथ इसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि राजनीति को हमने राज्यों को शक्ति के आधार पर कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करा है, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहली मध्य शक्ति, दूसरी है आपकी पहली महाशक्ति, फिर मध्य शक्ति, फिर सबसे छोटी शक्ति। इस तरीके से शक्तियों को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है और हमने शक्ति को अध्ययन को भी हमने क्या कर दिया है, राजनीतिक सिद्धांत से जोड़ दिया है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमारा क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आधुनिक पद्धति क्या है, इसके विशेष क्षेत्रों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो और इसी प्रकार से आप स्टडी नोट चाहिए हो आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें हमारी वीडियो, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं। हम हिस्ट्री की वीडियोस भी आपको ला के देंगे, हिंदी की भी देंगे, और तो और आपकी जो EVS है, एनवायरमेंटल साइंस है, तो वो तो आपके हर एक जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे वो, क्योंकि जैसा कि नया CVCS सिस्टम आया है, तो वो आपके हर एक स्टूडेंट, चाहे वो ऑनर्स का हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का हो, या फिर इंग्लिश ऑनर्स का हो, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से हो, यानी अदर सब्जेक्ट का मतलब मेरा BCOM वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हम अपने इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, ताकि मैं आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग इतनी वीडियो दूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए और आपसे रह ना जाए। और पक्का है 110% इस चैप्टर से वीडियो ज़रूर, वीडियो कह रहा हूँ मैं, आपको ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।